हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये देखिए चप्पलदार सॉक्स। ये बनाना बहुत ही ज़्यादा सरल है, इसको आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, बस कुछ फंदे कम या ज़्यादा करके। तो देखिए ये इस तरीके से आपको लग रहा है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको पर्ल से डेकोरेट किया है, तो ये देखिए आपको ये ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने 50 फंदे डाल लिए हैं। इसके बाद में आप देखिए हमें क्या करना है, ये हमारा राइट साइड है, ये आप छोटा थ्रेड देखिए, ये हमारा राइट साइड है। तो इसमें देखिए अब हमें क्या करना है, पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, यहाँ पे हम धागा पीछे करेंगे। अब एक फंदा यहाँ से हम सीधा बनाएंगे, ये देखिए, फिर धागा अपनी तरफ लाइए, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, अगेन धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा बनाएंगे, ऐसे एक फंदा हम धागा आगे लाकर उल्टा बनाएंगे। तो ऐसा ही करते हुए आपको ये पहली रो पूरा कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए ऐसे इस तरीके से हम इसको बना लेंगे पूरा। तो अगर आप इसको छोटे पैर के लिए बनाना चाहते हैं तो इसमें आप बनाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, आप इसके फंदे कम कर सकते हैं, या बड़े पैर का बनाना है तो फंदे बढ़ा सकते हैं। बनाना बहुत ही ज़्यादा सरल है, कोई भी बिगनर इसको आसानी से बना सकता है। तो हम इस फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये रो वन कम्प्लीट हो गई है, रॉन्ग साइड। रो टू देखिए क्या करना है, पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब हमें यहाँ पर देखना है आप जो फंदा आपको राइट साइड में, ये देखिए रॉन्ग साइड में सीधा दिखे, उसको हमें सीधा बनाना है। जैसे ये हमें पहला फंदा स्लिप करने के बाद में ये फंदा सीधा दिख रहा है, तो इसको हम सीधा बनाएंगे। धागा आगे लाइए, ये देखिए उल्टा दिख रहा है, उसको उल्टा बनाएंगे। तो बेसिकली क्या है, रो वन में हमने जो फंदे सीधे बनाए थे उनको इस सेकेंड रो में हम उल्टा बनाएंगे, जो फंदे हमने उल्टे बनाए थे वो हम सीधे बनाएंगे। तो बस इसी को रिपीट करते हुए जाना है। तो इस तरीके से ये हमारी रो टू हम पूरी बना लेंगे। तो रो वन एंड रो टू को हम कम से कम तब तक बनाएंगे जब तक कि हमारे पास टोटल 8 सलाइयाँ ना हो जाएं, तब तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। मींस 6 सलाइयाँ हम और बना लेंगे, इसके बाद में हम आगे का प्रोसेस बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको पूरा ही कंप्लीट कर लेंगे, एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा बॉर्डर फॉर्म होना शुरू हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये हमने 8 लाइन का बॉर्डर बना लिया है। ये देखिए ये आपको इस तरीके से दिख रहा है। इसके बाद में देखिए अब हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल, कुछ खास नहीं करना है। पहला फंदा देखिए स्लिप करेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से देखिए निडल को हम इस तरीके से डालेंगे, जैसे कि हम उल्टे फंदे बनाते हैं, और ये देखिए इस तरीके से उल्टा फंदा ऐसे बनाते हुए हम पूरा बना लेंगे। ये देखिए यहाँ से ये पैटर्न हम कब बना रहे हैं, बॉर्डर बनाने के बाद में। ये देखिए तो ये आपका जो है इस तरीके से बनता हुआ जाएगा पूरा। इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। तो ये देखिए रो हमने पूरी उल्टी बना ली है। अब आ जाइए रॉन्ग साइड, यहाँ पर भी देखिए पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, बाकी के सभी फंदे हम उल्टे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से पूरा आप उसको उल्टा बना लीजिए। तो इस तरीके से बनाते हुए हमें टोटल ये जो उल्टी उल्टी लाइनें हैं हम दोनों तरफ से बना रहे हैं, तो एक तरफ हमारे पास 27 होंगी और रॉन्ग साइड में 27 होंगी। मींस हम टोटल ये जो उल्टी उल्टी सलाइयाँ हैं 54 टाइम्स हम इसको बना लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको बनाकर पूरा कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमें क्या बनाना है। ये देखिए इस तरीके से आपका ये पैटर्न बनता हुआ जाएगा।
तो देखिए बॉर्डर बनाने के बाद में हमने यहाँ पर ये 54 लाइंस बना ली हैं। आप एक काम और कर सकते हैं कि इसको आप कैसे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका इस तरीके से अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इसके ऊपर आप मान लीजिए आप अपने पैर में रख के देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये डमी है, तो उसमें मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए हमने ऐसे रखा। फिर ये जो बॉर्डर है ये यहाँ पे इस तरीके से आना चाहिए, ये देखिए ऐसे। और जब हम इसको यहाँ से टर्न करेंगे तो ये देखिए अभी इतना है, जब हम बॉर्डर बना लेंगे तो ये पूरा इसको यहाँ पर टच कर लेगा। तो इस तरीके से ये आपका आना चाहिए। तो अभी हमने इतना बना लिया है, उसके बाद में हम देखिए आगे और बनाते हैं। तो देखिए इतना बनाने के बाद में अब हम अगेन बॉर्डर बनाएंगे, उसमें भी पहला फंदा स्लिप करेंगे जैसा हम अभी तक शुरू में किया था फर्स्ट रो में, सेम करेंगे। धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बनाया, देखिए धागा आगे लाएं, अगेन एक फंदा देखिए यहाँ पर हम उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे किया एक फंदा सीधा बनाएंगे। तो हम एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बनाते हुए इस पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, तो अगर आप 4 नंबर के लिए बना रहे हैं इस फीट को, इस सॉक्स को, तो आप उसमें कम से कम 40 से 44 फंदे तक आप डाल सकते हैं अपने पैर के हिसाब से। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि आप अपने पैर के अकॉर्डिंग साइज नंबर ऑफ स्टिचेस कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। ये देखिए बहुत ही सरल डिज़ाइन है ये, आप इसको 2 कलर में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको सिंगल कलर में बनाया हुआ है पूरा ही, तो आप चाहें तो आप 2 कलर में बना सकते हैं, या फिर आपकी बची हुई ऊन हो जो आप उससे भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए बच्चे बच्चे जो थोड़े थोड़े ऊन बच जाते हैं उनमें से एक लाइन बना ली या 2 लाइन बना ली, इस तरीके से आपके वो ऊन भी यूज हो जाएगी और आपका ये डेली यूज़ के लिए ये बन जाएगा। ये देखिए ऐसे, तो इस पूरी को हम बना लेंगे। ये देखिए लास्ट में भी धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बना लिया जो कि हमारा एज है। टर्न कर लीजिए, यहाँ पर अगेन पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब यहाँ पर जो फंदा आपको सीधा दिख रहा है तो उसको सीधा बनाना है। तो यहाँ पर मुझे इस फंदा स्लिप करने के बाद सीधा दिखा, धागा पीछे किया एक फंदा सीधा बनाया, फिर से धागा अपनी तरफ किया एक फंदा उल्टा बनाया, अगेन एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाते हुए हम अभी 2 रोज़ ये बॉर्डर की बन जाएंगी। तो ऐसे ही हम 6 सलाइयाँ और बना लेंगे, तो टोटल हमारे पास बॉर्डर की जो लाइंस होंगी वो 8 होंगी जैसा कि हमने पहले बनाया है। तो सेम उसके बाद में हम उसको बाद में बाइंड ऑफ करेंगे। तो इतना हम देख लेते हैं बना के 8 लाइंस, और उसी के बाद में आपको बाइंड ऑफ करना भी बताऊंगी कि उसको कैसे बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने ये रो बना ली है। अब हम इसमें रॉन्ग साइड में, ये जो हमारी जो रो नंबर 8th बनेगी, तो यहाँ से हम रो बनाते हुए पूरा इसको बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए कैसे करना है। पहला फंदा ये हम स्लिप कर लेंगे, एक फंदा ये जो दिख रहा है इसको हम उल्टा बनाएंगे और इसको इसके ऊपर से निकाल देंगे। अगेन एक फंदा इस उल्टा बनाया और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे से निकाल दिया, देखिए ऐसे, और इसके इसके ऊपर से निकाल दिया। तो इस तरीके से बनाते हुए हम इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको हम पूरा यहाँ पे बाइंड ऑफ कर लेंगे। ये देखिए हमने पूरा बाइंड ऑफ कर लिया है यहाँ तक लास्ट तक देख सकते हैं, और इसमें से हम थोड़ा सा यार्न एक्स्ट्रा लेंगे ताकि हमें सिलने में काम लेंगे हम इसका। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा यार्न ले रहे हैं, ये देखिए इसको यहाँ पे टाइट कर दीजिए। अब ये देखिए ये पीस आपको अभी इस तरीके से दिख रहा है, देखिए। तो आगे क्या करना है देखेंगे। तो देखिए इसको सिलना कैसे है, अब यहाँ पे हमें सिलना है, तो इसको जस्ट हम हाफ करेंगे। ये आप पोर्शन देख रहे हैं, अगर आप सीधे साइड से सिलना पसंद करते हैं तो आपको
ये जो सीधा पोर्शन है उसको ऊपर रखना होगा। अगर आप उल्टे साइड से सिलाई कर रहे हैं तो आपको इसको उल्टा रखना, सीधा रख के और इसको इस तरीके से फोल्ड करना होगा। मीन्स आपका जो सीधा पोर्शन होगा वो अनसाइड चला जाएगा और रॉन्ग साइड आपका ऊपर होगा। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे पास ये राइट साइड का पोर्शन है, ये वाला अंदर, तो ये देखिए ये रॉन्ग साइड से है। तो यहाँ से इस यार्न पे ये देखिए अटैच है, हमने यहाँ पे इसको बाइंड ऑफ किया था। तो यहाँ से लेकर अब हम यहाँ तक इस पूरे को सिल लेंगे। तो देखिए मैं इसको उल्टा तरफ करके सिल रही हूँ, उल्टा मतलब बाहर है मेरा, तो उसको सिल रही हूँ। तो देखिए कैसे सिलेंगे, तो देखिए उल्टा साइड हमारा ऊपर है और जो राइट साइड है वो हमारा अंदर है। तो ये जो छोटा यार्न है इसको हम बाद में सुई से या फिर क्रोसिया से आप इसी में बाइंड कर दीजिएगा। तो अभी देखिए इसको कैसे सिलना है। ये हमने इस तरीके से इसको लिया और कम से कम यहाँ पर एक दो बार हम इसको अच्छे से टाइट कर देंगे ऐसे। अब यहाँ से हम इसको सिल लेंगे। ये जो देखिए आपको चेन्स दिख रही हैं ये वाली, तो दोनों ही साइड की चेन्स से जाकर हम इसको अच्छे से सिल देंगे। हर चेन में से जाकर इसको सिलना है। ये देखिए ऐसे ही सिलकर हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हर चेन में से ये जो आपको वी चेन्स दिख रही हैं बस उन्हीं के अंदर से जाना है दोनों साइड की। देखिए ऐसे सिलता सिलते हुए हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे लास्ट तक। बस ध्यान क्या रखना है, इसको बहुत ज़्यादा जब आप इसको टाइट करेंगे इस तरीके से बहुत ज़्यादा पुल नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा वो धागा आपका ऊन जो है वो खिंची खिंची ज़्यादा लगेगी। देखिए इस तरीके से बुरा ही हम इसको सिल देंगे। और जो भी एक्स्ट्रा यार्न हो, अगर आप मल्टी कलर से बना रहे हैं मतलब छोटी छोटी ऊन से बना रहे हैं, तो जो कलर्स होंगे एक्स्ट्रा यार्न उनको आप अलग से बाइंड कर लीजिएगा। ये देखिए ये हमारा पूरा सिल गया है और यहाँ पर हम एक गांठ लगा देंगे अच्छे से ऐसे। तो ये देखिए ये हमने पोर्शन सिल लिया है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए अभी हमने ये वाला पोर्शन यहाँ पे ये हील का पोर्शन सिल लिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका ऐसे दिख रहा है। तो हम इसमें आप देखिए मैं यहाँ पर एक फुट ले रही हूँ एग्जांपल के लिए, आप अपने पैर पे पहन कर देख सकते हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि हमें इसको कितना ओपन रखना है ताकि हम जब इसको पहने तो बहुत ही ईजिली ये पहन जाए, आपको बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है। तो आप अपने पैर के अकॉर्डिंग आप इसको ओपन रखिएगा। बाकी का पोर्शन जैसे मान लीजिए यहाँ से हम यहाँ तक का जो भी पोर्शन है ये वाला, इसको हम सिल लेंगे। तो ये पोर्शन इस तरीके से मैं आपको इस फुट में दिखा रही हूँ, ये सिल लेंगे देन ये वाला सिल लेंगे। तो इस तरीके से आपका ये रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको ये भी सिलकर दिखाती हूँ। तो देखिए मैं ये यहाँ से, ये देखिए मेरे पास कितने रिब हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 रिब के विधर मैं सिल रही हूँ। ये देखिए आप अपने पैर के हिसाब से पहन कर ही सिलिएगा, अदरवाइज आपका हो सकता है गड़बड़ हो जाए। ये देखिए इसको हमने यहाँ पे टाइट कर लिया। अब यहाँ से इसको हम इस तरीके से पकड़कर ये पोर्शन हम सिल लेंगे। तो मैं आपको वो भी पूरा दिखा दे रही हूँ। इसमें भी वही करेंगे, चेन टू चेन पूरा सिलेंगे हम यहाँ पर। ये देखिए ऐसे हम देखिए ये वाला पोर्शन है, इसको भी हम सिल देंगे। ये हमारा आगे की ओपनिंग बन रहा है। इसमें भी चेन टू चेन जाएंगे। तो ये देखिए ये हमने सिल लिया है। अब एक बार मैं इसको यार्न को ऐसे ही छोड़कर मैं आपको एक बार दिखाती हूँ इसको पहना के। ये देखिए तो अभी देखिए ये फुट में ये सॉक्स आपको इस तरीके से दिखेगा। ये बिल्कुल सिंपल है। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर ये देखिए जो सिलाई हमने की है, अगर आप इसको डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ पर्ल्स लगाकर इसको दिखाती हूँ।
तो ये देखिए हमारा शॉप इस तरीके से रेडी हुआ है, ये देखिए। और ये हमने यहाँ पे ये सिलाई की है, यहाँ पे ये, देन इसके बाद में ये यहाँ पे की है, और ये देखिए यहाँ पे जो सिलाई थी उसके ऊपर से ये हमने फॉल्स लगा दिए हैं, या फिर आप कुछ और भी लगा सकते हैं। तो देखिए बहुत जल्दी बन जाता है, आप इसको एक दिन में ही दोनों पैर के सॉक्स बना सकते हैं, और दोनों ही पैर के सॉक्स एकदम सिमिलर बनते हैं। तो इस तरीके से आपका ये सॉक रेडी हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये सॉक्स बताने का तरीका पसंद आया हो और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको नए वीडियोस मिल सकें। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।